नमस्कार। बेगूसराय में कोरोना महामारी को लेकर आम लोगों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन सड़कों पर उतरकर लगातार गश्ती कर रही है। बावजूद इसके शहर में बेखौफ अपराधियों का मनोबल कम होता नहीं दिख रहा है। दरअसल मामला नगर थाना क्षेत्र के विष्णु चौक की है, जहां कमल मेडिकल स्टोर पर आज भरे दोपहर में 4 की संख्या में बेखौफ अपराधी आकर एक हमला कर उनके गले में रखे 15,000 रुपये लूट लिए और हथियार लहराते हुए बेखौफ होकर चलते चले गए। दुकानदार के विरोध करने पर अपराधियों ने दुकान में लगे शीशों को लोहे की रॉड से मारकर तोड़फोड़ दिया और साथ ही यह कहते गए कि अगर पुलिस को इसकी जानकारी दी तो जान से हाथ धो बैठोगे। हालांकि अपराधियों के जाते ही पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। हालांकि पुलिस प्रशासन चाहे जो भी दावे कर ले, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जिस तरह से बेगूसराय में लगातार अपराधियों का तांडव जारी है, ऐसे में अब समझना होगा कि आम जनता की सुरक्षा कैसे हो पाएगी। बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही बेखौफ अपराधियों ने गश्ती करते हुए पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। MI प्लस न्यूज से संवाददाता अजय शास्त्री की रिपोर्ट। गल्ला से पैसा निकाल लिया, जो मेरा कल का बिक्री जितना भी था ना सब निकाल लिया। कितना पैसा निकाल लिया? लगभग 15,000 रुपया। क्या क्यों मांगा था पैसा? रंगबाजी टैक्स। क्या नाम है आपका? राजीव कंवर। आज से पहले भी कहीं मांग हुई थी? ना, उससे पहले जो है कुछ पैसा उसका दबा लिया था, बहुत ही रह गया, मैंने नहीं दिया। कितने लोग थे? 3-4 लोग थे।